हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3D व्हील अलाइनमेंट मशीन के बारे में, जो कि टेक्नोवेक्टर कंपनी की है। ये रशियन का ब्रांड है, रशियन में इसका जो R&D फैक्ट्री वगैरह रशियन में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मशीन के बारे में पूरा गाइड करूँगा कि इस मशीन के में क्या फीचर्स हैं और क्या इसके रिज़ल्ट हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी राय बताएं तो ये मशीन बहुत ही बढ़िया मशीन है अगर आपका बजट अच्छा है, और बहुत ही अच्छी इसकी एक्यूरेसी है। मार्केट में बहुत ही लोगों ने इस मशीन को पसंद किया है। जो भी गाड़ी इस मशीन के साथ एक बार अलाइनमेंट कर दोगे आप, उस गाड़ी का आपको टेस्ट ड्राइव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ये मशीन बहुत ही बढ़िया है और एक्यूरेसी वगैरह और स्टीयरिंग अलाइनमेंट वगैरह और भी काफ़ी सारे इसके फीचर्स हैं। जैसे इसका कैमरा जो है हाई टेक्नोलॉजी का कैमरा है, हाई प्रसिशन टेक्नोलॉजी का इसका कैमरा है। और आज मैं आपको इसके बारे में पूरा इसका प्रोसेस है, जो सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, यूज़र इंटरफेस कैसा है, पूरा इस मशीन के बारे में। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, ये मशीन 2 पोस्ट लिफ्ट पे भी काम कर जाती है। इसका जो फैक्ट्री है जहाँ पे मशीन बनता है, कैसे बनता है, मैं पूरा वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम इस मशीन के बारे में बात कर रहे थे बहुत। और एक बात बता दूं मैं आपको, इनका कम से कम मोर देन 50 कंट्री के साथ टाई अप है। मोर देन 50 कंट्री में इनकी मशीन के जो इक्विपमेंट्स हैं सप्लाई होते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी मशीन है ये फ्रेंड्स, और इनका जो हिंदुस्तान में अभी टाई अप है। फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता दूं आपको, पहले 3-4 साल पहले इनका जो टाई अप था हिंदुस्तान में, इंडिया में इनका टाई अप था, प्रसिशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, प्रसिशन के साथ इनका टाई अप था। अब उनके साथ इनका टाई अप जो है टूट गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किया था, जैसे कि उनका शायद कोई मे बी सॉफ्टवेयर कॉपी किया था, उसकी वजह से जो टेक्नोवेक्टर कंपनी है इनके साथ टाई अप जो है एग्रीमेंट जो है ख़त्म कर दिया है। अब जो एग्रीमेंट उन्होंने किया है जेटेज गैराज इक्विपमेंट्स के साथ किया, आप मशीन को देख रहे होंगे कि वहाँ पे जो 4 साल पहले, तो काफ़ी अच्छी ये मशीन है। ओपन मार्केट में ये मशीन काफ़ी इंस्टॉल हुई है और बहुत ही अच्छी मशीन है। फ्रेंड्स, अगर आपका बजट अच्छा है तो ये मशीन आप ले सकते हैं। और कहने का मतलब ये है कि 5-6 साल इस मशीन में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3D टेक्नोलॉजी में तो वैसे ही प्रॉब्लम बहुत सारी ख़त्म हो चुकी हैं। और अभी मैं आपको इसका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस दिखाता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अलग अलग शॉप्स में मैंने ये वीडियोस जो है शूट किए हैं, कहाँ कहाँ पे ये टेक्नोवेक्टर की मशीन इंस्टॉल हुई है। बहुत ज़्यादा पे जगह पे ये मशीन इंस्टॉल हुई है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इस मशीन को पसंद किया है। तो फ्रेंड्स, ये शॉप है, इसका नाम है, इस शॉप का नाम है साइन कार केयर है। ये जो अमृतसर में शॉप है, ये भी टेक्नोवेक्टर की मशीन यूज़ कर रहे हैं पिछले 5 साल से। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इसमें गाड़ी में सारे टारगेट लगा दिए हैं, अभी हम इसका प्रोसेस जो है करेंगे, इसमें गाड़ी का डाटा भरेंगे। तो अब हम टारगेट सारे लगा दिए हुए हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है गाड़ी आगे पीछे करने का, जो ROC हम करते हैं, गाड़ी को थोड़ा पीछे करेंगे, थोड़ा आगे करेंगे। पहले मैं आपको गाड़ी को करके दिखाऊंगा, फिर बाद में आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि स्क्रीन पे क्या हलचल होती है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ये देखिए, गाड़ी को पहले इन्होंने पीछे किया, फिर अभी इन्होंने इसको आगे किया। इसको ROC बोलते हैं, जो रनआउट होता है। अब स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा, स्क्रीन पे भी आपको जो, अब जब आगे पीछे करोगे आपको स्टॉप का साइन दिखाएगा। ये कैमरे पे भी आप देख सकते हैं, कैमरे पे भी ये पूरा साइन दिखाता है। ये देखिए, हमने गाड़ी पीछे की, स्टॉप किया, अब ये एरो आगे को कर रहा है तो गाड़ी आगे को गई है, गाड़ी भी आगे को, तो वो स्टॉप का साइन दिखा दिया उसने। अब ये गाड़ी हम स्टेयरिंग जो टर्न लेफ्ट राइट करते हैं, जो कैस्टर कटिंग करते हैं, अब कैस्टर कटिंग करेंगे हम। -10 डिग्री हमने जो स्टेयरिंग है लेके जाना है इसको। तो इसी तरह का कुछ इंटरफेस है, बहुत ही सिंपल फीचर्स है। ये मशीन जो है प्रसिशन ने सेल की थी, प्रसिशन कंपनी ने सेल की थी जब इन्होंने ली थी, जब तब प्रसिशन कंपनी वाले इसके जो डीलर थे।
अब जो डीलर हैं ये टेक्नोवेक्टर के जेटेज कंपनी वाले हैं, उनसे ही मशीन लेनी पड़ेगी आपको। ये देखिए, ये अब हमने पहले लेफ़्ट किया फिर राइट किया, अभी हमने जो 0 डिग्री सेंटर करना है बिल्कुल सेंटर। ये देखो पूरा स्टॉप का साइन देता है पूरा, जब आप लेफ़्ट करोगे स्टॉप करेगा, राइट करोगे स्टॉप करेगा। देखिए इसके बाद मैं आपको गाड़ी का पूरा एक बार इंटरफेस मशीन का दिखा देता हूँ। तो अब ये गाड़ी की रीडिंग्स जो है आ जाएगी इसके बाद, जो लेफ़्ट राइट करने के बाद स्टेयरिंग को आपने सीधा लॉक करके तो अलाइनमेंट करना है बस, डेट्स इट। तो अभी आपको मैं रीडिंग्स बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है रीडिंग्स का। ये दो तरह की रीडिंग्स आती है इसमें, जो एक जो सुइयों वाली होती है, एक जो नंबरों वाली होती है। इसमें दोनों आती हैं, नंबरों वाली भी आती है और सुइयों वाली भी आती है। आप जौन सा आपको बेटर रहेगा वो आप कर सकते हैं, मतलब इसमें ऑप्शन है, दो तरह की रीडिंग्स आप देख सकते हैं इसमें। मतलब रीडिंग तो सेम होती है, एक कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जो नंबरों वाला होता है। इसमें जो स्टेयरिंग का कोई फिगर वगैरह नहीं दिखता है डिस्प्ले वगैरह, इसमें जो स्टेयरिंग सेंटर करना होता है तो साइड में जो सेंटरिंग, जहाँ पे मैं अभी फिंगर कर रहा था वो सेंटरिंग बता रहा है कि आपका स्टेयरिंग सेंटर है, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ सेंटरिंग है या नहीं है। इसको आप इक्वल कर दोगे आप तो आपका स्टेयरिंग अलाइनमेंट पूरा हो जाएगा। तो दूसरी जो रीडिंग है कुछ इस तरह की है, जो लेफ़्ट में टो ऊपर दिखा रहा है, सेंटर में कैम्बर है और लास्ट में जो है कैस्टर है। तो कुछ इस तरह का भी है इंटरफेस, दोनों तरह का आप कर सकते हैं, जो सा आपको अच्छा लगता है उस तरह का ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें सेटिंग्स में ऑप्शन में जाके आप चेंज कर सकते हैं जो उनसा आपको अच्छा लगे। ये सबसे ऊपर जो है टो है, नीचे जो है कैम्बर है, उसके नीचे लास्ट में जो है कैस्टर है। लेफ़्ट में लेफ़्ट कैम्बर है, राइट में राइट कैम्बर है। तो कुछ इस तरह का ही इंटरफेस है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है फ्रेंड इसका। फ्रेंड्स अभी मैं आपको थोड़ी देर में अब इसका जो फैक्ट्री है, कैसे ये मशीन जो बनता है वो भी बताऊंगा आपको, ये थोड़ा कंप्लीट हो जाए वीडियो। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे अलाइनमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है हमारा, टो अलाइनमेंट कर रहे हैं ये कैम्बर जो है ये नहीं करेंगे इसका, टो ही करेंगे इसका। हाँ फ्रेंड्स सीधी सी भाषा में ये बात है कि जो ग्रीन जो दिख रहे हैं आपको, ग्रीन जो है वो सही है, जो रेड है वो गलत है। मतलब जो ग्रीन साइन है वो राइट है आपका, जो रेड में है वो रॉन्ग है। अब आपका जो टो है पूरा ग्रीन में हो गया है, तो इसका मतलब आपका अलाइनमेंट जो है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको इसका फैक्ट्री दिखाता हूँ, ये देखिए आप कैसे ये मशीन बन रहा है। ये जो इनका R&D सेंटर है, कहाँ पे ये मशीन जो बनती है, तो कैसे ये तैयार होते हैं इनका, जो थोड़ा सा मैं आपको इनका बता दिखा रहा हूँ। ये कैमरा जो है कर रहे हैं पूरा असेंबलिंग वगैरह, इनका जो R&D है, ये टारगेट वगैरह पूरे इनके बढ़िया क्वालिटी के जो बनते हैं। फ्रेंड्स कहने का मतलब है बहुत ही बढ़िया कंपनी की मशीन है, आप भेजे हो गए। अगर आपका बजट है, अच्छा बजट है आपका, 8 से 10 लाख का बजट है पूरा अलाइनमेंट सेटअप लगाने का, तो ये मशीन आप लगा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं हंटर की मशीन लगाने का, तो हंटर की बजाय आप ये टेक्नोवेक्टर की मशीन लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मशीन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन प्रेस। गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय।